नमस्कार बच्चों, आज हम बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जो पढ़ रहे थे, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन, उसमें हम चुंबकीय गुण पढ़ रहे थे। अब तक हम प्रतिचुंबकीय के बारे में अध्ययन कर चुके थे और अनुचुंबकीय के बारे में पिछले समय में हम अध्ययन कर चुके हैं। एक बार दोहरा लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम एक संक्षेप में समझ लेते हैं कि क्या होता है। प्रतिचुंबकीय वे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो। अनुचुंबकीय वो होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अर्थात जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो अनुचुंबकीय है, और जिसमें अनुपस्थित है केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे? प्रतिचुंबकीय। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लोह चुंबकत्व। देखो, लोह चुंबकत्व बहुत हद तक अनुचुंबकत्व जैसा ही गुण होता है। इसको आगे समझते हैं, आगे हम इसे ढंग से समझ पाएंगे। देखते हैं फर्स्ट लाइन, पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व का ही विस्तृत रूप है। देखो, हमने जैसा कि बोला है, अनुचुंबकत्व का गुण ही होता है मुख्यतः लोह चुंबकत्व, बस उसका विस्तृत गुण है, उसे कुछ अलग परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता है। देखते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। कैसा चुंबकत्व आ जाता है? स्थायी चुंबकत्व। इसे समझने वाली बात है। इस गुण का प्रदर्शन कुछ ही पदार्थों द्वारा किया जाता है, जिनमें से लोहा, आयरन, सिंबल क्या होता है? Fe, प्रमुख है। इसी कारण इस गुण का नाम लोह चुंबकत्व पड़ा और ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखो, क्यों कहा लोह चुंबकीय पदार्थ? क्योंकि ये कौन से पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है? सामान्यतः लोहे जैसे प्रमुख पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है। तीन तत्व होते हैं मुख्यतः, आयरन, कोबाल्ट और निकल। इन तत्वों द्वारा दर्शाया जाता है लोह चुंबकत्व का गुण। इनमें से आयरन प्रमुख होता है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? लोह चुंबकत्व पड़ा। इसमें क्या होता है? अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे आगे समझते हैं। अतः यदि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, यदि किसी तत्व के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो उसमें अधिकांश तत्वों में अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा आज की क्लास में भी, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा गुण दर्शाएंगे? हमने उस दिन देखा था, फिर से समझ लेते हैं। जैसे 4s और 3d था, 4s2 हो गया, तो मान लो 3d3 हो गया, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन है, तो ये